तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सारा मोटिवेट करता है। जैसा कि मैं ये हमेशा हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, कोई नहीं कोई बात नहीं गाइज। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मेरे पास है ये ऑर्निथोप्टर का मेन जो मैकेनिज्म होता है वो मैंने तैयार कर लिया। ये गाइज ये फर्स्ट पार्ट है, इसे मेन मैकेनिज्म कैसे बनाया हूँ सारा रिव्यू उसमें देने वाला हूँ गाइज, कौन कौन सा पार्ट्स लगे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको चलाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कोरलेस मोटर यूज़ किया हूँ, जैसा कि आपको लोग दिख रहा होगा यहाँ पे कोरलेस मोटर है। और तीन मैं गेयर छोटा सा यूज़ किया हूँ, आरसी कार का गियर बॉक्स निकाल करके कुछ इस तरीके से, उसका गियर निकाल करके कुछ इस तरीके से मैंने कस्टम गियर बनाया होगा जिसमें दिख रहा होगा आप लोग को। तीन गियर लिया हूँ जिसमें एक गियर हमारा मोटर में कनेक्ट है और दो गियर इस टाइप से बना हुआ है गाइस। तो और इसका ये वाला जो मैकेनिज्म है गाइस, ऐसे जो रन करता है, मैंने यहाँ पर यू टाइप का बनाया हुआ हूँ, एक यू टाइप का रट निकाल दिया हूँ और इसके बीच से एक गियर लगा दिया हूँ गाइस। उसी के वजह से ये ऊपर नीचे होता है। तो ये हमारा विंग्स जो हमारा ये बर्ड का और ऑर्निथोप्टर का कुछ ऐसे ऐसे करता है गाइस, उसी प्रकार। तो गाइस हम जैसे कि हम लोग का मोटर हमारा रन करेगा तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्निथोप्टर काम करेगा गाइस। ये फर्स्ट पार्ट है गाइस इस वीडियो में। सेकेंड पार्ट में बस इसमें हमको करना क्या है, इसके ऊपर इसका पंख बनाने के लिए मैं इसमें पन्नी चिपका दूंगा पोलोथीन, और सेकेंड वीडियो में इसका फ्लाइंग वीडियो डाल दूंगा गाइस। ये इसमें क्या क्या लगा है बनाने के लिए गाइस वो बता देता हूँ आपको गाइस। इसमें फ्रेम बनाने के लिए हम लोग को लगा है कुछ इस टाइप का बैम्बू स्टिक, टूथपिक भी बोलते हैं बड़ा वाला, कुछ इस टाइप का। ये 8 इंच से 10 इंच का आता है गाइस, आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से काम करता है हमारा ये वाला। और ये वाइट सा जो है ये हम डेप्रॉन सीट यूज़ किए हूँ गाइज, अभी ठीक से फिक्स हुआ नहीं इसीलिए ढीला है गाइज। इसको चला करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये गाइज, कुछ इस तरीके से बैटरी पावर देकर के। फिलहाल तो इसको पावर देने के लिए इस टाइप का बैटरी यूज़ करूँगा। इसको अगर मेन इसको असेंबल कर दूँगा ना तो इससे बहुत छोटा बैटरी हम लोग यूज़ करने वाला है, हेलीकॉप्टर वाला जो बहुत पतला सा बैटरी आता है वो लिथियम बैटरी। गाइज यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करता है गाइज। तो गाइज हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया है। गाइज कुछ इस तरीके से गाइज मैं इसको सोक तो कर दिया। इसका पार्ट टू में मैं इसको उड़ा करके दिखाने वाला हूँ कैसे गाइस कैसे फ्लाई करेगा, ये फ्लाई करेगा या अभी नहीं करेगा तो दोस्तों वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन 70% चांस है कि ये फ्लाई करेगा गाइस ऐसे से ना। और इसका आरपीएम मैं तेज कर दूंगा मोटर का तो शायद ये, या फिर इसको छोटा हल्का सा हल्का कर दूंगा तो ये उड़ ही जाएगा। 70% मेरा चांस है कि ये फ्लाई करेगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।